हेलो गाइस, तो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक और नई मूवी को लेकर जिसका नाम है ट्रांसपोर्टर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रांसपोर्टर 6 मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स अपडेट्स और इसकी रिलीज डेट को लेकर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इन्जॉय कीजिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है, जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की 6वीं फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियां देखने को मिल चुकी है, जिसमें से 4 मूवियां और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों, द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है लुक बेसोन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प। और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियां और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है, जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी, और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी, जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज, जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की, तो हमें इसके 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है, जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों, जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है, और एड स्क्रेन ने 4थी फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है, जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है, और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है, और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुँह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है, और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है, इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से जरूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जेनानी चलेने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं, और टारगो ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर, जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है।
रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उससे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलियो द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसके 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है
और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है, यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर, इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलेने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण वितरण निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर, तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी।
इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की, तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है, जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है, इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर, जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होती है काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग, जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी 4th मूवी को लेकर, जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की 4th किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। 4th फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कैमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित
एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2026 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है लुक बेसोन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प। और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसके 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेल्स ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है रूल नंबर 1 एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है, रूल नंबर 2 कोई नाम नहीं और रूल नंबर 3 पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलेने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टार्को ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टार्को ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है।
रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलियो द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसके 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है, रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है
और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग से वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिफ्यूल्ड 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण वितरण निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कोर और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी।
इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की, तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है, जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है, इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारगो ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर, जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग, जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी 4th मूवी को लेकर, जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की 4th किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। 4th फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कैमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित
एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2026 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है लुक बेसोन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प। और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है रूल नंबर 1 एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है, रूल नंबर 2 कोई नाम नहीं और रूल नंबर 3 पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है।
रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलियो द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है
और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है, यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से जरूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 बोलेगा, इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ गुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जेनानी चलेने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिफ्यूल्ड 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण वितरण निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर, तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कोर और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी।
इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की, तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है, जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेल्स ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है, इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारगो ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर, जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग, जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी 4th मूवी को लेकर, जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की 4th किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। 4th फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कैमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित
एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2026 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है लुक बेसोन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प। और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेल्स ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है रूल नंबर 1 एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है, रूल नंबर 2 कोई नाम नहीं और रूल नंबर 3 पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है।
रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलियो द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिसे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है, रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है
और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंधी हुई और मुंह बंद महिला पाता है, यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से जरूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारकोन ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते हुए काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिफ्यूल्ड 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण वितरण निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है ल्यूक बेसन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी।
इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की, तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है, जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है, जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेल्स ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने चौथी फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने, वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है, रूल नंबर 1, एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है। रूल नंबर 2, कोई नाम नहीं। और रूल नंबर 3, पैकेज को कभी ना खोले। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है, इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है, जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जनानी चलने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टारकोन इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टारगो ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर, जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होती है काला सागर के ओडिशा में ले जाने का दबाव डाला जाता है। रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोन की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलेव द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग से वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर, जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड। तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सन्निर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नए रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड कैमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित
एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इंटरजी के बारे में। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टर 6 2025 में आने वाली एक अपकमिंग लेटेस्ट मूवी होने वाली है जो कि ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म होने वाली है। इससे पहले हमें इसकी 5 मूवियाँ देखने को मिल चुकी है जिसमें से 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज शामिल है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों द ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी को क्रिएट किया है लुक बेसोन ने रॉबर्ट मार्क कार्मेन के साथ मिलकर। द ट्रांसपोर्टर को ओवन करते हैं यूरोपा कॉर्प। और इस मूवी की फिल्म को लेकर बात करें तो अब तक हमें इसमें 4 मूवियाँ और एक टीवी सीरीज देखने को मिल चुकी है जो कि है द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में आई थी, ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में आई थी और द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल जो कि 2015 में देखने को मिली थी। इसके अलावा हमें इसकी एक टेलीविजन सीरीज भी देखने को मिली थी जिसका नाम था ट्रांसपोर्टर द सीरीज जो कि 2012 से 2014 के बीच में देखने को मिली थी। इसी के साथ बात कर इसके साउंड ट्रैक्स की तो हमें इसका 3 साउंड ट्रैक्स देखने को मिलते हैं जो कि है द ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर 2 और ट्रांसपोर्टर 3। तो दोस्तों बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर एक फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइज है जिसमें 2002 और 2015 के बीच रिलीज हुई 4 फिल्में और एक टेलीविजन सीरीज शामिल है। दोस्तों जेसन स्टेथम ने पहली 3 फिल्मों में फ्रैंक मार्टिन की भूमिका निभाई है जो कि एक पेशेवर फ्रीलांस कुरियर ड्राइवर है। क्रिस वेंस ने सीक्वल टेलीविजन सीरीज में मार्टिन की भूमिका निभाई है और एड स्क्रेन ने 4th फिल्म में एक रिबूट के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके हर मूवी के स्टोरी लाइन को लेकर। तो शुरुआत करते हैं इसके पहले पार्ट द ट्रांसपोर्टर 2002 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक मार्टिन जिसका रोल निभाया जेसन स्टेथम ने वो एक बेहद कुशल ड्राइवर है जिसे सिर्फ ट्रांसपोर्टर के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी चीज़ को बिना किसी सवाल के हमेशा समय पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इस व्यवसाय में सबसे बेहतरीन माना जाता है। ट्रांसपोर्ट करते समय वह कुछ रूल्स का पालन करता है और उसके रूल्स है रूल नंबर 1 एक बार सौदा हो जाने के बाद वो अंतिम है, रूल नंबर 2 कोई नाम नहीं और रूल नंबर 3 पैकेज को कभी ना खोलें। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक अनजाने अपना नियम तोड़ देता है और पैकेज को खोलता है और वो देखता है कि उसमें एक बंदी हुई और मुंह बंद महिला पाता है। यानी कि वो जैसे ही पैकेज अनलॉक करता है तो उसको एक डेड बॉडी देखने को मिलती है और उसके साथ क्या घटना स्टार्ट हो जाती है इसको जानने के लिए आप उसकी मूवी को जरूर से ज़रूर देखें। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 2 को लेकर। इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक को मियामी फ्लोरिडा में एक अमीर परिवार के लिए ड्राइवर के रूप में काम पर रखा जाता है। फ्रैंक अपने छोटे बेटे के साथ घुल मिल जाता है जिसे वह हर दिन स्कूल ले जाता है। जब लड़के का अपहरण हो जाता है तो फ्रैंक को अपने छोटे पैकेज और अपने परिवार की रक्षा के लिए फिर से काम करना पड़ता है। आखिरकार वह जैविक हथियारों और नापाक जेनानी चलेने से जुड़ी एक योजना का पर्दाफाश करता है। इंस्पेक्टर टार्को ने इस फिल्म में अधिक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और इस फिल्म से यह साबित हो जाता है कि वह और फ्रैंक अब दोस्त हैं और टार्को ने फ्रैंक को बचाने के लिए पुलिस से झूठ बोलने तक चला जाता है। यह थी ट्रांसपोर्टर 2 की स्टोरी लाइन। बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 3 की स्टोरी लाइन को लेकर जो कि 2008 में आई थी। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि फ्रैंक पर यूक्रेन के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख लियोनिद वासिलेवी की अपहृत बेटी को मर्सिलेस से स्टटगार्ड और बुडापेस्ट होते काला सागर के ओडेसा में ले जाने का दबाव डाला जाता है।
रास्ते में इंस्पेक्टर टारकोनी की मदद से फ्रैंक को उन लोगों से जूझना पड़ता है जिन्होंने उसे काम लेने के लिए मजबूर किया था। वासिलियो द्वारा उसे रोकने के लिए भेजे गए एजेंट और उसके यात्री का सामान्य सहयोग जिससे वह फिल्म के बीच में महसूस करता है कि वह पैकेज है। वेलेंटिना के निंदक स्वभाव और फ्रैंक के शामिल होने के प्रतिरोध के बावजूद फ्रैंक और वेलेंटिना एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ से हमें इन दोनों की लव स्टोरी देखने को मिलती है। बात करें इसकी चौथी मूवी को लेकर जो थी ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड, तो ये मई 2013 में आई थी और 2013 के कान फिल्म फेस्टिवल में यूरोकार्प और चीन की फंडामेंटल फिल्म्स द्वारा सनिर्माण और शीर्षक वितरित करने के साथ एक नई रिबूट 3 की घोषणा की गई थी। बात करें इस मूवी के बजट को लेकर, तो इस मूवी का बजट था 60 मिलियन से लेकर 70 मिलियन के बीच और कम से कम एक को चीन में शूट करने की योजना थी। ल्यूक बेसन सभी फिल्मों का सब वित्त पोषण, वितरण, निर्माण और लेखन करेंगे। अंग्रेजी अभिनेता एड स्क्रेन श्रृंखला की चौथी किस्त में फ्रैंक मार्टिन के रूप में जेसन स्टेथम की जगह ली। चौथी फिल्म द ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड केमिली डेलिमारा द्वारा निर्देशित संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 सितंबर 2015 को रिलीज हुई थी। तो दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के अगले पार्ट्स को लेकर। तो इसकी अगर सीरीज की बात करें तो ट्रांसपोर्टर द सीरीज ट्रांसपोर्टर फिल्मों पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर 2012 में 11 अक्टूबर को जर्मनी में RTL पर और 6 दिसंबर को फ्रांस में M6 पर हुआ था। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स और अपडेट जो कि हमने आपको आज की इस वीडियो में बताए। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है ट्रांसपोर्टर 6 वो हमें जल्दी देखने को मिलेगा और 2024 के एंड तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये थी इससे जुड़े कुछ लीक्स अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन जो कि आज की वीडियो में हमने आपको बताया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।